आप सबने एक कहावत जरूर सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी हमारा स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है। स्वास्थ्य से बड़ी संपत्ति या दौलत इस दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। अपनी दौलत का आनंद भी आप तभी ले पाएंगे जब आप पूरी तरह से स्वस्थ और फिट रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको स्वस्थ रहने के नियम के बारे में बता रहे हैं, जिनकी सहायता से आप शारीरिक और मानसिक तौर पर हमेशा स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। आजीवन स्वस्थ और फिट रहने के 10 नियम में सबसे पहला है सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठने के जितने भी स्वास्थ्य लाभ गिनाए जाए उतने कम हैं। सुबह का शांत वातावरण और शुद्ध वायु शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती है। यह आपको पूरे दिन एक्टिव रहने में मदद करती है। एक अध्ययन में पता चला है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका दिमाग भी तेज रहता है और उनके दिमाग में यूनिक आइडियाज ज्यादा आते हैं। जो लोग अपने जीवन से सफल हुए हैं वो भी सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं। आजीवन स्वस्थ रहने का दूसरा नियम है कि सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पिए। सुबह 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीने से शरीर में ऊर्जा का विकास होता है, पेट अच्छी तरह साफ होता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, पेट में गैस और कब्ज की समस्या दूर होती है, स्किन हेल्दी रहती है, जोड़ों का दर्द दूर होता है और सर्दी खांसी व जुकाम की समस्या नहीं होती। कुछ दिन लगातार सुबह जल्दी उठकर गर्म पानी पीने के फायदे आपको कुछ ही दिनों में अपने शरीर में दिखने लगेंगे। आजीवन स्वस्थ रहने का तीसरा नियम है कि सुबह की सैर जरूर करें। सुबह की सैर यानी मॉर्निंग वॉक भी बहुत जरूरी होती है। सुबह 30 से 40 मिनट तेज कदम मॉर्निंग वॉक करने से शरीर का मोटापा कम होता है, पेट की समस्याएं दूर होती हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में एनर्जी और स्टैमिना बढ़ता है, शरीर में शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और मसल्स मजबूत होती है। इसके साथ ही दिल के स्वास्थ्य के लिए भी सुबह की सैर लाभकारी होती है। सुबह की सैर मानसिक बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है। आजीवन स्वस्थ रहने का चौथा नियम है कि दिन भर खूब पानी पिए। दिन भर पानी पीने से शरीर की सफाई होती है, शरीर से विषाक्त पदार्थ मूत्र के रास्ते बाहर निकलते हैं, पेट की कब्ज दूर होती है और आंतों में जमा मल आसानी से बाहर निकलता है। साथ ही ज्यादा पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है जिससे वजन कम होने में मदद मिलती है, फेस ग्लो बढ़ता है, बाल मजबूत होते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। आजीवन स्वस्थ रहने का पांचवा नियम है कि सलाद और हरी सब्जियां खूब खाएं। सलाद और हरी सब्जियों में फाइबर, विटामिन और मिनरल प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए आपको इनका सेवन जरूर करना चाहिए। हरी सब्जियों में मौजूद फाइबर पेट की समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर मौजूद हो तो कभी भी कब्ज, गैस और अपच की शिकायत नहीं हो सकती। जबकि सलाद और हरी सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं, साथ ही इनके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। आजीवन स्वस्थ रहने का छठा नियम है कि प्रोटीन युक्त भोजन करें। प्रोटीन शारीरिक विकास, मांसपेशियों के विकास, शरीर में ऊर्जा और स्टैमिना बढ़ाने के लिए फायदेमंद होता है, साथ ही त्वचा और बालों की हेल्थ के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। रोटी और चावल खाने से शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता, इसलिए आपको प्रोटीन के लिए कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी। मीट, मछली, अंडा, दाल, पनीर, दूध, अंकुरित अनाज आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए आपको इन्हें भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। सामान्यतः आपको अपने वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 किलो बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन अवश्य लेना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज या कोई अन्य शारीरिक मेहनत का कार्य करते हैं तो आपको प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। आजीवन स्वस्थ रहने का 7वां नियम है कि फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का सेवन बंद करें। फास्ट फूड में किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व नहीं होते जो शरीर को फायदा पहुंचा सके। इनमें कैलोरी अधिक मात्रा में होती हैं जो केवल वजन बढ़ाने और पाचन तंत्र को खराब करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ऑयली फूड भी शरीर का वजन बढ़ाने और शरीर में आलस उत्पन्न करने का काम करते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो केवल शरीर का वजन बढ़ाने का काम करते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप फलों का ताजा रस, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, आम पन्ना जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें, जिनसे आपके शरीर को पोषक तत्व भी मिलेंगे। आजीवन स्वस्थ रहने का 8वां नियम है कि बॉडी डिटॉक्स करें। हमेशा स्वस्थ रहने के नियम के अनुसार आपको समय समय पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। बॉडी डिटॉक्स करने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं और शरीर रोगों से दूर रहता है। नियमित बॉडी डिटॉक्स करने से शरीर का वजन नहीं बढ़ता, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, चेहरे पर ग्लो आता है, बाल मजबूत होते हैं, मूत्र रोग दूर होते हैं,
पेट की आंतों में जमी गंदगी बाहर निकलती है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और पेट संबंधी रोग नहीं होते। आजीवन स्वस्थ रहने का नौवां नियम है कि रात को हल्का भोजन करें। आपको रात का भोजन हल्का करना चाहिए, साथ ही रात का भोजन जल्दी करना चाहिए। रात को हल्का भोजन करने से नींद अच्छी आती है, वजन नहीं बढ़ता और शरीर हल्का और लचीला रहता है। कुछ लोग रात को बहुत ज्यादा भोजन करते हैं जिसके कारण भोजन सही से नहीं पच पाता, परिणामस्वरूप शरीर का वजन बढ़ने लगता है। साथ ही आपके रात के भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। रात का भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए या एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना चाहिए। भोजन करने के बाद आपको कुछ देर वॉक जरूर करनी चाहिए। रात के भोजन के बाद वॉक करने से भोजन आसानी से जल्दी पचता है और इससे शरीर का वजन नियंत्रित रहता है। आजीवन स्वस्थ रहने का दसवां और आखिरी नियम है कि पूरी नींद लें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में कुछ लोग रात को देरी से सो रहे हैं जिसके कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। नींद पूरी न होने के कारण तनाव बढ़ता है, शरीर में आलस बढ़ता है, नए विचार मन में नहीं आते और शरीर हर पल थका थका सा रहता है। स्वस्थ रहने के लिए आपको 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए।